सत्येंद्र जैन जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनकी आज मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को खारिज कर दिया, रद्द कर दिया परमानेंट बेल को। वो मेडिकल बेल पर थे, कोर्ट ने माना कि ये मेडिकल आप तंदुरुस्त हैं, अच्छे भले हैं, करप्शन किए तो जेल में रहिए। मैं याद करा दूं अरविंद केजरीवाल जी को, ये वही सत्येंद्र जैन है जिनको आप पद्म विभूषण देने की बात करते थे, कहते थे इसको पद्म विभूषण मिलना चाहिए, जैसे मनीष सिसोदिया जी को भारत रत्न मिलना चाहिए था। ये अरविंद केजरीवाल जी के नायक हैं जो करप्शन में हैं, बेईमानी के कारण कोर्ट उनको जमानत नहीं जेल भेजती है, और ये उनको किसी को भारत रत्न देना चाहते हैं, किसी को पद्म विभूषण देना चाहते हैं, और खुद तो पता नहीं कौन सा लेना चाहते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी इसीलिए ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे, उनको पता है उनकी करप्शन का भांडा फूट चुका है। उनका मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह नायर जैसे लोग जेल में हैं, अगली बारी अरविंद केजरीवाल जी की है। आपको अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले का जवाब भी देना होगा, दिल्ली जल बोर्ड के नकली टेंडरों का भी जवाब देना होगा, नकली बसों के बिलों का भी जवाब देना होगा, नकली कमरों के जो स्कूलों में कमरे बनाए उनके बिलों का भी जवाब देना होगा, और जो अपने 100 करोड़ से ज्यादा शीश महल बनाया है उसका भी जवाब देना होगा, जेल जाना होगा।